Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and get all the new videos. Bismillahirrahmanirrahim, aage ji. How to make your child a genius? Achha, yahan bataiye kitne maa baap baithe hain jo chahte hain ki unka bachcha genius bane? Nahi, sab nahi chahte. Aap nahi chahte na? Achha. Hame apne bachcho ko genius. Mujhe Hairat-e-Hafiz saab ne kaise decide kiya? आज से 15 दिन पहले कि आज के दिन हमें ये प्रोग्राम करना है, जबकि उस वक्त पाकिस्तान इंडिया के हालात खराब नहीं थे. क्या इनको इल्हाम हुआ था? ही न्यू इट, क्योंकि हमें कायदे आजम पैदा करने हैं, हमें आइंस्टाइन पैदा करने हैं, हमें वो नस्ल पैदा करनी है जो इस मुल्क को आगे लेके जाए. उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो कुछ सिखा रहा हूं वो मेरे बाद मेरी बेटी आएगी उरूज, वो बताएगी, उस पर गौर से सुनिएगा, बाद में सवाल जवाब होंगे. नेक्स्ट, ये बच्चे ऐसे जीनियस में से अच्छे, और आपके घर में अगर ये बच्चे करने लगे तो आपने थप्पड़ मारना उनको कि क्या कर रहे हो. नेक्स्ट, हमें ये वैसे थोड़ा सा गलत है, 45 साल हो गए. नेक्स्ट, उरूज क्या कर रहे हैं? यहां से बंद कर देना. अच्छा जी, नेक्स्ट, आगे जाते जाओ मैं बताऊंगा. नेक्स्ट, अच्छा अब हम यहां पे आते हैं. दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपने ये दो अल्फाज सुने हो ना सुने हो, आपकी मर्जी. एक को कहते हैं विजुअलाइजेशन और एक को कहते हैं इमेजिनेशन. ये दोनों क्या है? सब आंखें बंद करें अपनी, आंखें बंद करो, कहीं नहीं ले जाएगा बटवा आपका कोई. डोंट वरी, कराची क्लब है. क्लोज योर आईज, जरा थोड़े से पुरसुकून हो जाए आंखें बंद करके. अच्छा, ये सोचें कि आप अपने घर के सामने खड़े. घर के सामने जब खड़े हैं तो आपके घर का दरवाजा कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका कोई हैंडल है तो हैंडल कैसा है. अब आप दरवाजे के करीब गए, आपने दरवाजा खोला, आप अपने घर में दाखिल हो गए. जैसे ही आप घर में दाखिल होते हैं, सबसे पहले किस चीज पे नजर पड़ती है आपकी? कोई दीवार है, कोई पेंटिंग है, लाउंज है, क्या है? अच्छा, इसके बाद आप उस कमरे में चले जाएं जिसमें आप मेहमानों को बिठाते हैं, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम. उस कमरे में खड़े होकर देखें कि आपके कमरे का फर्नीचर कैसा है, पर्दे कैसे हैं, एसी है तो किस दीवार पर है, किस रंग का एसी है, किस ब्रांड का एसी है, सोफे कैसे हैं, कुर्सियां कैसी है, टेबल कैसा है. आंखें खोले, बंद करें वापस. अब आप सोचें कि आप मेरे घर के सामने खड़े, बाहर से मेरा घर कैसा है, कलर कैसा है, मेरे घर का जो मेन दरवाजा अगर उस पर हैंडल है तो हैंडल कैसा है. अब दरवाजा खोल के अंदर जाए, जब आप मेरे घर में दाखिल होते हैं, क्या शय आपको सबसे पहले नजर आती, किस चीज पे नजर पड़ती आपकी, और वो क्या है? अब आप उस कमरे में जाएं जिस कमरे में मैं अपने मेहमानों को बिठाता हूं, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, जो भी कह लें आप. अब उसमें फर्नीचर कैसा है, सोफे हैं तो किस रंग के हैं, पर्दे हैं तो किस रंग के हैं, एसी है तो कौन से ब्रांड का है. आंखें खोलें. अच्छा, पहला जो आपने किया वो विजुअलाइजेशन था. विजुअलाइजेशन कहते हैं जब आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जिसके लिए आपके ब्रेन में ऑलरेडी मेमोरी हो, जो आपने देखी हो, सुनी हो, चखी हो, सूंघी हो या छुई हो, इसको विजुअलाइजेशन कहते हैं. तो हर लम्हे हमारा ब्रेन जो है वो पिछली बातों को लेकर सोचता रहता है, और आप जितना सोचते हो आप माजी में ज्यादातर सोचते हो. दूसरी मर्तबा जब मैंने आपकी आंखें बंद कराई तो आप इमेजिन कर रहे थे, क्योंकि आपने मेरा घर नहीं देखा. तो ये जो दो सलाहियतें हैं ब्रेन की, ये रिसर्च हुई थी लारेडो टेक्सास यूएसए के अंदर. कोई 20 साल ये रिसर्च के बाद पता चला कि दो जीनियस होते हैं लोग, बच्चे बड़े, कोई भी जीनियस होता है, उसमें दो सलाहियतें बहुत रिमार्केबल होती है. एक, वो जब सोचते हैं गुजरे हुए हालात को तो इस तरह उनको ब्रेन में नजर आता है जैसे सामने मौजूद फिल्म चल रही हो, इसको विजुअलाइजेशन कहते हैं.
और जब वो किसी चीज के बारे में आने वाले वक्त के बारे में सोचते हैं तो उनकी इमेजिनेशन इतनी जबरदस्त होती है कि वो अपनी प्रेजेंट हालात से निकल कर सोच सकते हैं। मसलन फॉर एग्जाम्पल, आप एक मुश्किल में और आपको समझ नहीं आता, रास्ता नहीं आपके पास, क्या करें, है ना? और आप इमेजिन कर सकते हैं कि ठीक है मेरे इस वक्त मेरे पास कोई हालात ऐसे नहीं है कि मैं निकल सकूं मुश्किल से, लेकिन मैं इमेजिन करूंगा कि मैं निकल गया। उस इमेजिनेशन में आपको रास्ता सूझता है। दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी इन्वेंशन हुई है, अगर इमेजिनेशन ना होती तो आज दुनिया में कोई इन्वेंशन ना होती। आज ये गाड़ी है, सेलफोन है, रॉकेट है, हवाई जहाज है, आप बैठ के चार घंटे में चले जाते हो सऊदी अरेबिया उमरा करने के लिए। ये इन्वेंशन इसलिए थी कि कुछ लोगों में दुनिया में सलाहियत थी कि वो इमेजिन कर सकते हैं। आम आदमी जब इमेजिन करता है रुक जाता है, हो ही नहीं सकता, पहले तो कभी नहीं हुआ, इससे पहले तो कभी किसी ने नहीं किया, वो रुक जाता है। मगर जो जीनियस होता है वो जब इमेजिन करता है तो वो टाइम एंड स्पेस से बाहर करता है। वो कहता है नामुमकिन कोई चीज नहीं है, जहन की दुनिया में हर चीज मुमकिन है, जहन की दुनिया में हर चीज मुमकिन है। आप यहां बैठे आना फन आंखें बंद करके आप अमेरिका चले जाए, अपने बच्चे के घर में पहुंच गए, पहुंचे गए नहीं पहुंचे, जहनी तौर पे पहुंच गए ना, जिस्मानी तौर पर आप यहां हैं। तो ये जहन की दो कुवतें हैं जो हमने अपने बच्चों में बेदार करनी है ताकि वो जीनियस लेवल पे। नेक्स्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जुमला, इसको अच्छी तरह गौर कर ले। अ चाइल्ड कैन फेल टू लर्न बट कैन नॉट और डज नॉट फेल टू इमिटेट। इसके पीछे रीजन क्या है? बच्चा जो है वो नकल करता है, यानी वो सीखता है देखकर। बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा देखता है तो वो नकल करता है। अब पता चला जी आपका शौहर आपके पास आया रात को, कमरे में आप बैठे हुए हैं और आपने बुराई शुरू कर दी अपनी सास की। अब बच्चा आपके कमरे में सुन रहा है कि मेरी अम्मा जो है ना वो मेरी दादी की बुराई कर रही। माफी चाहता हूं, सच बता रहा हूं, हमारे माशरे में बहुत गिलाजत है, अनफॉर्चुनेटली। मुसलमान है हम अल्हम्दुलिल्लाह, मगर आप वो चीजें हम कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी थी। अब बच्चा सुन रहा है मां और अब्बू की बातें, मां सास की बुराइयां कर रही हैं। अब ये बच्चा जब बड़ा होगा तो ये क्या सीखता है? ये सीखता है कि किसी की पीठ के पीछे बात करना सही है, जायज है, क्योंकि अम्मा करती थी और अम्मा कभी गलत नहीं करती। इसी तरह बेटा बैठा है, वालिद गाड़ी चला रहा है, सिग्नल पे बाप ने गाड़ी तोड़ दिया, पर सिग्नल क्या फर्क पड़ता है, और जूस पीते पीते डब्बा बाहर फेंक दिया, बच्चे ने क्या देखा, रेड सिग्नल पर गुजर जाना सही है, क्यों, अब्बा भी ये करते थे और अब्बा कभी गलत नहीं हो सकते, और गाड़ी में से कचरा फेंकना वाइट सही है क्योंकि अब्बा भी करते थे। अब जब ये बच्चा बड़ा होगा तो माशरे में किस किस्म का इंसान होगा, जो आजकल है, क्योंकि हमने अपनी तरबियत सही नहीं की बच्चों की, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तरबियत। पहला स्कूल बच्चे का मां की गोद और बाप की शफकत होता है। अगर ये आपने नहीं किया आपने अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि आपने उसे शायद डॉक्टर तो बना दिया, आपने उसे इंजीनियर बना दिया, एमबीए बना दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया, इंसान ना बना सके आप उसको, आपको सबसे पहले उसे इंसान बनाना था। जब वो इंसान बनता तो अच्छा डॉक्टर बनता।